नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम फिर आपके आईमेट फाउंडेशन पे इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर क्या, पोम लेके आए हैं 10th ICSE का, द हॉन्टेड हाउस। अब प्लीज इसको रात में मत देखिएगा, क्योंकि ये तो हॉन्टेड है, ये थोड़ा बहुत मेरा भी इफेक्ट पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो लेट्स बिगिन। अब पोइट के बारे में ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आता है कि पैराग्राफ ऑलरेडी दिया होगा और उसके पोइट मतलब पोम का नाम और पोइट को यानी कि ऑथर को पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इस पोइट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आपको पढ़ना है नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। थीम ऑफ द पोम, द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट घोस्ट्स आर हार्मलेस एंड दे विजिट देयर ड्वेलिंग प्लेसेस वेयर दे वंस लिव्ड एज ह्यूमंस, ऑल्सो दे रिमेन विद देयर बिलोवेड फॉर एवर। मतलब कि अब इस पोम का थीम क्या है कि जो घोस्ट है, जैसे कि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम एग्जिस्टेंस मानते हैं भगवान की, मोस्ट ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि हमारे आसपास जो है वो भगवान है, हमें देखते रहते हैं, हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं और हम मतलब जो हम काम सही या गलत कर रहे हैं उन्हें नोट डाउन कर रहे होते हैं, जैसे कर्मा। ठीक है, वैसे ही घोस्ट भी। अब यहाँ पे पोएट का हमारे ये कहना है, यानी कि जो हमारे लॉन्ग फेलो हैं, हेनरी लॉन्ग फेलो, इनका ये कहना है कि घोस्ट भी हमारे एनवायरमेंट में आसपास क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं और वो हमें फील कराते हैं अपनी एग्जिस्टेंस। बहुत सारे ऐसे घोस्ट होते हैं जो कि हार्मलेस क्रिएचर होते हैं। अब हार्मलेस क्रिएचर क्यों होते हैं, अगर हमारे कोई एंसेस्टर्स है या फिर हमारे जो दादा दादी नाना नानी या रिलेटिव्स हैं, वो मम्मी पापा या चाचा चाची, मतलब किस कोई भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं दूर के पास के, अगर वो हमारी केयर करते हैं तो वो मरने के बाद भी हमारी वैसे ही केयर करते हैं, बींग अ घोस्ट, अपनी एग्जिस्टेंस वो खत्म नहीं करते हैं और वो वापस से विजिट देयर ड्वेलिंग प्लेसेस वेयर दे वंस लिव्ड एज ह्यूमंस। अब वो वहाँ पे आते हैं, वापस से वहाँ पे आते हैं जहाँ पे एज एन ह्यूमंस रहते थे। तो लेट्स बिगिन द पोम नाउ। ठीक है, ऑल हाउसेस वेयर इन मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेस। अब यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि हर उस घर में अगर कोई भी इंसान किसी घर में रह रहा है और उस घर में उसकी डेथ हो गई, तो वो पर्टिकुलर घर क्या हो गया, हॉन्टेड हाउस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो लोग होते हैं जो मर जाते हैं, वो अपनी अथॉरिटी, ठीक है, उस घर से या उस चीज से कभी भी डिस्टेंस नहीं कर पाते। मतलब वो ये नहीं मान पाते कि मैं मर गया तो अब मेरी जो अथॉरिटी है वो खत्म हो गई उस पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग से। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ से घर पे आते हैं वो ये बता रहे हैं। इससे क्वेश्चन एक आता है कि वेर यू कैन मीट द हार्मलेस क्रिएचर और वेर यू कैन मीट द घोस्ट। ठीक है, सो थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड। अब वो कहाँ से आते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप दरवाजा खोलते हो तो कभी कभी आपको फील होता है कि एयर की एयर जो है वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ठीक है, एयर जो है वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, फील होता है ना, गूज बम्स आ जाते हैं। तो वो जो हार्मलेस क्रिएचर यानी कि जो घोस्ट होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो हमें फील कराते हैं वो कि घर में आ रहे हैं। और कैसे आते हैं, वो एकदम धीरे से आते हैं, उनके चलने की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ जो हवा का जो छोटा सा झोंका होता है या हवा जो थोड़ी सी धीरे से चल रही होती है उसी से हम ये सारी चीज़ें फील कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो एरेंस ग्लाइड बहुत धीरे से ग्लाइड करके एकदम बिना आवाज़ के हमारे घर के अंदर थ्रू द डोर आते हैं। अब आगे बात करते हैं, विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स। और वो कैसे चलते हैं, वो ऐसे आते हैं जिससे कि उनके पैर की कोई भी आवाज़ ना आए। अब वुडन फ्लोर होता है, मोस्टली क्या होता है कि अगर हम ऐसे ये हेनरी लॉन्ग फेलो की बात करें तो ये जहाँ पे भी रहते थे वहाँ मोस्टली फॉरेंस में क्या होता है कि वुडन फ्लोर्स का यूज़ किया जाता था पहले, या वुडन फ्लोर्स होते थे, तो वहाँ पे अगर ज़रा भी इंसान चलेगा तो नॉइज़ मतलब निकलेगी ही निकलेगी। तो इनका ये कहना है कि वो धीरे से, इतने धीरे से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो घोस्ट हैं, वो दरवाजे से अंदर आते थे कि उनके चलने की आवाज़ नहीं आती थी। और वो कैसे आते थे, जैसे कि वो ग्लाइड कर रहे हो हवा में, यानी कि वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर क्या कर रहे हो, तो मूव कर रहे हो। ठीक है, बिना आवाज़ के। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, कहाँ कहाँ हम उनसे मिलते हैं। वी मीट देम एट द डोरवे, ऑन द स्टेयर, अलोंग द पैसेजेस दे केम एंड गो। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ हम उनसे घर पे मिलते हैं, हम उनसे दरवाजे पे मिलते हैं जबकि वो एंटर कर रहे होते हैं। दूसरी जगह हम कहाँ मिलते हैं, ऑन द स्टेयर। मोस्टली आप जब घर में लोग सारे सो जाते हैं और रात में प्यास लगती है, या आप लेट नाइट स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील्स वगैरह, फीड वगैरह, और आप पानी पीने के लिए उठो तो ऐसा लगता है कोई पीछे चल रहा है, तो वो जो पीछे चल रहे होते हैं वो घोस्ट ही होते हैं। सो एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। और कहाँ पे मिलते हैं, अलॉन्ग द पैसेजेस दे केम एंड गो। अब पैसेजेस यानी कि घर रूम्स के आग बाहर में होता है ना, थोड़े थोड़े रास्ते होते हैं, वरांडाज होते हैं, बालकनी होती है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं यहाँ वहाँ, और हम उनको फील कर पाते हैं कभी कभी। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पीछे चल रहा है तो वो वही चल रहे होते हैं। सो ट्रस्ट ऑन हिम देम, मे बी ही और शी कैन बी देयर। सो इम्पैल्पेबल इंप्रेशन ऑन द एयर, अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। वो हवा में एक ऐसी इंप्रेशन अपनी छोड़ के जाते हैं जिससे कि हमें बहुत कुछ, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फील होता, अगर हम फील करें उनके एग्जिस्टेंस को, माने, या फिर हम बहुत शांत हो, घर में बहुत शांति हो, आपका दिमाग बहुत शांत हो, तो आपका जो वो इंप्रेशन होता है ना उनका, मतलब यानी कि वो जब आसपास होते हैं या बगल से गुजरते हैं, या फिर हमें अपनी जब प्रेजेंस को फील कराना होता है घोस्ट को, तो वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर ऑथर, वो ये करते हैं कि वो एक छोटा सा हल्का सा हवा का झोंका देते हैं जिससे कि हमें गूज बम्स आते हैं,
हमेशा तो गूज़बम्स आते नहीं हवा के चलने पे, लेकिन कभी कभी आते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, वो क्या ऐसे सेंस दिखाते हैं, कैसा लगता है हमें, लगता है ना कि कोई आसपास हमारे टहल रहा है, हमारे पीछे है, हमारे पीछे कोई खड़ा है, ऐसा, तो वो वहां पे अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे होते हैं। देर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट इन्वाइटेड। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में पोइट ये बात, पहले पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बात की कि वो कहाँ से आते हैं, मतलब होस्ट कहाँ से आते हैं और कहाँ से हमें फील कराते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बात की कि वो कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं अपने घर में, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी सॉरी अपनी प्रेजेंस को हमें कैसे फील कराते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या पढ़ रहे हैं, देर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट इन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक घर है जहाँ पे एक पार्टी थ्रो की गई है, और वहाँ पे जितने भी होस्ट ने, जितने भी गेस्ट को इनवाइट किया, उससे ज्यादा लोग वहाँ पे आए हुए हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, बीइंग अ ह्यूमन, मैं जितने लोगों को इनवाइट करूंगी मैं उतने लोगों को देख पाऊंगी। या तो यहाँ पे ये पैराग्राफ घोस्ट बोल रहा है, या तो ये ऑथर है जो, जिनका जो घोस्ट से है वो बढ़िया कम्युनिकेशन है, किसी एक आध घोस्ट से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, तो वो उनको बता रहा है कि आपने जितने लोगों को बुलाया था उससे ज्यादा लोग यहाँ पे रूम में, हॉल में आए हुए हैं। द इलिमिनेटेड हॉल थ्रॉन्ग विद क्वाइट। अब इलिमिनेटेड मीन्स जहाँ पे बहुत ढेर सारी लाइट्स होती हैं, ठीक है, ऐसी रूम में जहाँ पे ऐसा हॉल है, एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे ढेर सारी लाइट्स लगाई गई है। और क्यों लगाई गई है, क्योंकि वहाँ पे पार्टी जो है वो सब इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे लाइट्स अच्छी लगाई गई है। वो बहुत ज़्यादा ही लाइट क्राउडेड है और क्वाइट है, यानी कि मोस्टली अगर हम ह्यूमन बींग्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर दो चार पाँच लोग हैं तो वहाँ पे चौं 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 हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होने के बाद भी बहुत ज्यादा शांति थी। अब रीजन उसका क्या था, इनऑफेंसिव घोस्ट एज साइलेंस एज द पिक्चर ऑन द वॉल। इट मीन्स कि जितने होस्ट ने जितने लोगों को बुलाया था उससे बहुत ज्यादा कम लोग आए हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा सॉरी जितने होस्ट ने जितने ह्यूमंस को इन्वाइट किया था उससे बहुत ज्यादा लोग वहां पे प्रेजेंट थे, लेकिन जो गेस्ट आए हुए थे वो इतना शोर नहीं कर रहे थे और उससे ज्यादा लोग थे। इसका मतलब कि जो घोस्ट थे वो कितने शांत थे, वो इतने शांत थे, इतने अच्छे थे, इतने स्वीट थे। अब स्वीट थे तो हमारा भी कोई काम कर दीजिए अगर घोस्ट महाराज सुन रहे हो तो एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल, यानी कि वो इतने शांत थे कि किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, किसी को हार्म नहीं कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे कि पिक्चर्स लगी होती है ना वॉल्स पे, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, चुपचाप बिचारी पड़ी होती है, धूल खा रही होती है, वैसे ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी। अब यहाँ पे एक घोस्ट बात कर रहा है, आई डोंट नो घोस्ट बात कर रहा है कि ये मरने के बाद लिखे हैं, ठीक है, तो घोस्ट बात क्या कर रहा है कि जो मेरे बगल में स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, मतलब फायर साइड पे, अब वो जहाँ पे आग जल रही है ठंड में, वहां जलती फायर प्लेस पे आग जल रही होती है, वहां पे उस साइड में एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ है जिसको वो घोस्ट नहीं जानता है, या फिर ऑथर नहीं जानते, ठीक है, नहीं जानते हैं, जो हमारे स्पीकर है वो नहीं जानता उसको, लेकिन अब वो उन लोगों को नहीं देख और सुन सकता है जिसको कि वो देख सकते हैं। अब क्या बोला, द स्ट्रेंजर एट माय फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी नॉर हियर द साउंड आई हियर। यानी कि अब जो हमारे स्पीकर है वो ये बता रहा है कि जिस जिस लोगों को हम मैं देख सकता हूँ, जिन लोगों को और जिन लोगों को मैं सुन सकता हूँ, उसको वो स्ट्रेंजर यानी कि वो ह्यूमन बींग, वो क्रिएचर ना देख सकता है ना ही सुन सकता है। He but perceives what is, while unto me and that has been is visible and clear. अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ था, ही बट परसीव्स, ही किसके बारे में बात हो रही है, उस स्ट्रेंजर के बारे में बात हो रही है, उस ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है जो कि सिर्फ मैन मेड चीजों को ही देख सकता है, ठीक है, वो लेकिन क्या चीजें देख सकता है, परसीव्स मतलब सी, वो क्या क्या चीजें देख सकता है, while unto me and All that has been is visible and clear. वो उन्हीं चीजों को देख सकता है जो कि ह्यूमन मेड है, और लेकिन मेरे लिए क्या, मेरे लिए ह्यूमन मेड और जो हम घोस्ट हैं या हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो क्रिएचर है, वो सारी चीजें वो जो घोस्ट है वो देख सकता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। We have no title deeds to house or lands. अब यहाँ पे जो घोस्ट है वो अपने दिल का दुख बयां कर रहा है, वो ये बयां कर रहा है कि जो मेरा लैंड था, जो मेरा घर था, वो क्या है, वहां पे मेरा कोई नामो निशान नहीं है। अब जो मेरे बच्चे थे उन्होंने क्या किया, मेरा नाम वहां मुड़ा के अपना नाम लिख दिया है, ठीक है, अब मतलब कब्जा कर लिया है, कब्जा नहीं किया है, ऑफिशियली उन्हीं का होगा, उन्हीं के बच्चों का होगा, लेकिन फिर भी अब वो दुख बता रहा है। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। अब ये बता रहे हैं कि जो अब जो मेरे लैंड्स थे, जो मेरे लैंड्स थे, जो मेरा घर था, घोस्ट बता रहा है कि मेरे बहुत दिल में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैं ऑक्यूपाई करता था, मैं जहाँ पे किंग हुआ करता था जिस घर का, वहाँ पे मेरे को मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और मुझे कोई देख भी नहीं पा रहा है, मुझे कोई फील भी नहीं कर पा रहा है। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, लेकिन मैं उस टाइम, पहले के टाइम में जब मैं जिंदा था, जब मैं अपनी बॉडी में था, मतलब मैं भी एक ह्यूमन हुआ करता था, तो उस टाइम मैं ऑक्यूपेंट था, यानी कि ऑक्यूपेंट और ओनर था मैं, मेरा ही वो घर था और मैं वहीं रहा करता था, मेरे अलावा मुझे कोई वहां से हटा नहीं सकता था। फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मॉट मीन्स स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। अब
यहाँ पे जो घोस्ट है वो ये बता रहा है कि वह कितना मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद क्या हुआ कि मुझे ये जो हमारे क्या कहते हैं ऑथर है हेनरी, वो उनका क्या है मतलब वो क्रिश्चियन थे, और क्रिश्चियंस में क्या होता है कि मरने के बाद बॉडी को वो दफना दिया जाता है, यानी मिट्टी के अंदर उसको बंद दबा दिया जाता है। तो यहाँ पे कहना है कि मैं पहले जहाँ पे मेरा घर हुआ करता था, मैं ओनर हुआ करता था उस लैंड का, उस घर का, मैं ही किंग हुआ करता था, मैं ही सब कुछ करता था, अब मेरा वहाँ पे उसके पेपर्स में नाम वाम नहीं है, वो हटा दिया गया है। अब ये कह रहा है कि लेकिन फिर भी जो मेरी अथॉरिटी थी या जो मेरी फीलिंग थी या जो मेरा लगाव था उस घर को लेके, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ग्रेव में से, यानी कि जो मैं बंद किया गया हूँ अंदर ग्रेव में दफनाया गया हूँ, वहां से मैं, मुझे भूल गए हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं अपने डस्टी हैंड्स, यानी कि अब ऑब्वियसली मैं मिट्टी में दफना दिया गया हूँ तो मेरे हाथ में मिट्टी लग गई होगी, मेरा हाथ जो है वो डस्टी हो गया है, गंदे हो गए, फिर भी मैं उस ग्रेव के अंदर से अपना हाथ क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। क्यों बाहर निकाल रहा हूँ? एंड होल्ड इन व्हाट मीन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो इनएमिएबल पोजिशन है उस, मतलब कि अब मैं, मेरा जो पोजिशन है, मेरी जो अथॉरिटी है, कोई मेरी चीज है और मेरा कोई, मेरी कोई चीज लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके लिए तब तक लड़ते हैं जब तक कि हम लड़ सकते हैं, बींग अ ह्यूमन बींग। लेकिन घोस्ट क्या करते हैं, मतलब बींग अ ह्यूमन बींग, जब हम मर जाते हैं तो हमारा सोल जो है उससे अपना कनेक्शन जो खत्म नहीं कर पाता है, वैसे ही जो घोस्ट होते हैं उनके जो लैंड होते हैं, उनका जो घर होता है या जो उनकी फैमिली होती है, उससे अपना कनेक्शन खत्म नहीं कर पाते। इसलिए वो मर जाने के बाद जब उनको दफना दिया जाता है, उसके बाद भी वो अपने गंदे हाथ बाहर निकालते हैं, मतलब ब्रीथ करने की कोशिश, ब्रीथ करने के अंदर मतलब सेंस बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है, वैसे यहाँ पे भी मेंशन है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो मोह है, जो उनका थ्रेड है, फीलिंग ऑफ मतलब थ्रेड ऑफ फीलिंग और थ्रेड ऑफ कनेक्शन टुवर्ड्स द पीपल एंड द लैंड्स एंड द होम एंड द थिंग्स, वो खत्म नहीं होता है, वो जो धागा होता है वो उनका खत्म नहीं होता है, टूटता नहीं है वो। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। होल्ड इन मॉट में, सॉरी, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर। अब ये घोस्ट है ऑथर ये चीज बता रहे हैं कि अब स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो हमारे आसपास कैसे होता है, जैसे एटमोस्फियर है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटे छोटे वो, अरे यार मुझे, वॉर्म्स हैं या फ्लाइज हैं जो कि इनविजिबल है हमारे नेकेड आई से, और टाइप्स ऑफ एयर हैं जो हमारे आसपास चल रही है, वैसे ही घोस्ट जो है वो हमारे आसपास क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। एंड एवरीवेयर वाफ्ट थ्रू देयर अर्ली मिस्ट एंड वेपर डेंस अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर अर्थ रियल एयर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया है कि जो घोस्ट है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, यानी कि ढेर सारे घोस्ट जो है वो हमारे आसपास हवा की तरह मिक्स मैच है, वो चल रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। एंड एवरीवेयर वाफ्ट थ्रू दिस अर्ली मिस्ट एंड वेपर डेंस। अच्छा, मोस्टली आपने सुना होगा कि घर का जो ऐसा रूम होता है जहाँ पे धूप नहीं जाती है या जहाँ पे रोशनी कम रहती है या लोग कम विजिट करते हैं, हमारे जो दादा दादी हैं या जो बुढ़े लोग हैं हमारे घर में, वो हमें एडवाइस करते हैं, एल्डर लोग हैं, वो हमें क्या एडवाइस करते हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं कि उस रूम में लाइट वाइट जला दो, सारे रूम में शाम में लाइट जला दो, रोशनी कर दो, उस रूम में जाया करो, दिया दिखा दिया करो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ऐसा हमारे एल्डरली पीपल या फिर हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि जिस रूम में रोशनी नहीं होती है या लोग कम विजिट करते हैं, वहाँ पे घोस्ट अपना एग्जिस्टेंस कवर अप कर लेते हैं, मतलब उसको अपना बेडरूम बना के आराम से ऐश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस। वेपर डेंस में, यानी कि जब अर्थ, मतलब अर्थ में जब, यानी हमारे एटमोस्फियर में जब मिस्ट होती है, यानी कि थोड़ी सी सर्दी का टाइम होता है, वेपर डेंस होता है, यानी कि फॉग होता है, कोहरा होता है, उस टाइम पे, यानी कि जब हमारी हवाओं में मिस्ट होता है, थोड़ी सी नमी होती है, उस टाइम घोस्ट जो है अपनी एग्जिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो हवा में और ज्यादा मूवमेंट अपना करते रहते हैं। दैट्स डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपोइज बाय ऑपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर्स। अब यहाँ पे जो है वो ऑथर हमें किसके बारे में बता रहे हैं, अब ह्यूमंस की फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। अभी तक तो घोस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, अब ये ह्यूमंस की फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। बीइंग अ ह्यूमन हम दो चीज हमेशा सोचते रहते हैं, एक आराम से ऐश करें और दूसरा ये वीडियो देख के थोड़ा सा हम लर्न कर ले, अंडरस्टूड कर ले पोएम, जिससे कि एग्जामिनेशन में हमें प्रॉब्लम कम हो। तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं, आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपोइज बाय ऑपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर। हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने में पूरी जिंदगी बिजी रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लाइक हमें मन करता है कि हम सो जाए, हम देर तक सोएं, फिर मैं, हमारा ये होता है कि एग्जामिनेशन है या फिर पढ़ना है, कल होमवर्क मिला हुआ है, टेस्ट है, इसके लिए हमें स्टडी करनी है, तो वो सारी चीज का बैलेंस बनाने में ही हमारी जो छोटी सी लाइफ है वो खत्म हो जाती है।
ठीक है, द स्ट्रगल ऑन द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स। पहली लाइन का मीनिंग क्या है कि हम वैसे इंस्टिंक्ट यानी कि जो हमारे अंदर थॉट्स आती है, कैसी थॉट्स आती हैं, इंजॉय करने की थॉट्स आती है, मन करता है ना कि यहाँ घूमने जाए, वहां घूमने जाए, कभी स्टारबक्स में कॉफी पिए, कभी मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खा रहे हैं, सारी चीजों का मन करता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पैसा ही पैसा, ठीक है, तो वो चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स, मतलब कि अब नोबल इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है, नोबल इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमें जब हम जब बड़े मतलब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे पर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है, यानी कि हमें पढ़ना है, हमें मार्क्स पूरे के पूरे क्या करने, कवर अप करने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और अच्छी जॉब करनी है, फिर अर्निंग अच्छी करनी है, तभी तो पॉसिबिलिटीज है ना, कितनी ज्यादा जॉब के हमारे ड्रीम्स है वो क्या होंगे, फुलफिल हो पाएंगे। सो ये दो चीजें हैं हमारी, एग्जामिनेशन में आता है आपके बेटा कि व्हाट आर द टू थिंग्स व्हिच आर गिविंग ऑपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर इन द ह्यूमंस लाइफ। तो पहला क्या है, द स्ट्रगल ऑफ इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज, एंड सेकंड क्या होगा, द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स, मतलब कि एक ऐसा है कि एक हमारा, हम अपनी लाइफ को क्या बैलेंस कर रहे हैं, एक हम बैलेंस कर रहे हैं कि हम घूमे फिरे सारी चीजें करें, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है अच्छी अर्निंग के बिना, तो अच्छी अर्निंग के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि अभी आप कर रहे हो, तो वो चीजें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब these perturbations, these perpetual jar of earthly wants and aspirations high. अब perturbations क्या होता है, अब ये हमारे mental disturbance हो, obviously कभी हमें सोने का मन कर रहा है, कभी हमें पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन ये जो दोनों चीजें हैं वो perturbations है, वो mental disturbance है, हमें हमेशा परेशान करती है। these perpetual jar of earthly wants and aspirations high. अब ये जो immortal soul है, ठीक है, यानी जो हमारा सोल है वो इमोर्टल है, वो कभी भी मरेगा नहीं, वो हमारे क्या करता है, वो हमारी जो सोच है, हमारी जो सोल है, हमारा जो माइंड है, वो क्या करता है, हमें एक एम, एक एम्बिशन मतलब को ऑक्युपाई करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा पुश कर रहा होता है, मतलब मेंटली हम पुश हो रहे होते हैं, फैमिली से भी पुश हो रहे होते हैं, किसी की जो नहीं पढ़ रहा होता है, जो आज मजे कर रहा है, हु इज एंजॉइंग राइट नाउ, दे विल गोइंग टू पे इन द फ्यूचर, एंड हु इज paying right now, who is doing hard work right now, this hard work will pay in the future. So ये हमारी life है, it cannot be changed by any human being. So बस यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, come from the influence of an unseen star. अब यहाँ पे हमारे author ये कह रहे हैं कि जो हम influenced, अब आपने पंडितों से सुना होगा कि तुम्हारा शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है, तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ रहा है, साढ़े साथ ही हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीजें जो बोल रहा है, तो ये एक अनसीन स्टार होता है, जिसको हमारे ऑथर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी जो लाइफ है वो एक अनसीन स्टार और एक अनसीन प्लैनेट की वजह से, ठीक है, अनडिस्कवर्ड प्लैनेट की वजह से ही क्या हो रही है, सारी मैनेज हो रही है। यहाँ पे दिया हुआ है एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई, तो हमारी लाइफ किस चीज से मैनेज हो रही है, अनसीन स्टार यानी कि हमारे ग्रहों की वजह से हो रही है, और एक ऐसा प्लैनेट है जो डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन हर एक ह्यूमन बींग के लिए एक प्लैनेट जो है वो उनके बर्थ पे ही भगवान क्या करते हैं, बना देते हैं, ऐसा हमारे ऑथर का मानना है। इस पे तो थोड़ा बहुत मैं ट्रस्ट करती हूँ, बट इस पे तो आई डोंट नो अबाउट द प्लैनेट, ठीक है, आगे बात करते हैं। एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि अच्छा, हम जब सोते हैं तो हमारे सोने और ड्रीम के बीच में एक पॉज होता है, एक ब्रिज होता है, तभी तो हम पहुंचते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि हम उड़ जाते हैं। वैसे इनका कहना है कि हमारे मून जो है वो क्या कर रहा है, वो डार्क गेट ऑफ क्लाउड से क्या कर, फ्लोटिंग सी से एक मतलब एक सी से एक जमीन पे जाने के लिए एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है, यानी कि मून से एक वहां तक जाने के लिए, सी तक जाने के लिए कूद के तो जाओगे नहीं, अब यहाँ पे डाइविंग सीन तो चल नहीं रहा है कि हम मून पे से कूद गए और पानी में आराम से फ्लोट कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं कि एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट क्लाउड, यानी कि जब बहुत ढेर सारा अंधेरा होता है और हमें अपनी लाइफ में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और अपनी लाइफ में हमें कुछ अच्छा करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं से हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है, और वो रोशनी क्या होती है, कोई एक ऐसा इंसान जो हमें मतलब हमें पॉजिटिविटी दे रहा हो, या फिर हमारे अच्छे के लिए सोचा और हमें अच्छा समझा रहा हो, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो मून है वो क्या करता है, वो डार्क गेट ऑफ क्लाउड यानी कि हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, इस दो लाइंस में कंपैरिजन हुआ है किस चीज का, ह्यूमंस की प्रॉब्लम का, मून से डार्क गेट ऑफ क्लाउड से, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि जो सी में है एक फ्लोटिंग ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, जो अगर आप अभी प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम हमारी क्या है, डार्क गेट ऑफ क्लाउड हमारी प्रॉब्लम हो गई,
मून क्या है, मून जो है वो एक ऐसे इंसान की बातें हो गई जिसकी बातों से हमें पॉजिटिविटी आ रही है हमारी लाइफ में, या हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं, तो वो हमारा मून हो गया और फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट उनकी बातें हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मून है वो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है यानी जब डार्क ग्रेट होता है तो वो खुद मून क्या करता है अपनी लाइट्स को शो करता है कि सी स्विफ्ट शो करता है। सी पे एक फ्लोटिंग ब्रिज है यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि एक ब्रिज बना रहे हैं यहाँ से वहां तक। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसको वो शो कर रहा है, वो मून लाइट अपने आप को दिखा रहा है, मून लाइट दिखा रहा है कि ये रास्ता है और इसको लो और तुम जो तुम्हारे ड्रीम है उसको फुलफिल करो। ये किस चीज के लिए बता रहा है, ये इस चीज के लिए बता रहा है जो हमारी अर्थली वॉन्ट्स है, एस्पिरेशंस हाई है हमारे ना ड्रीम को पूरा करने के लिए, इस चीज के लिए। ठीक है, अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स और आर फैंसीज क्राउड इनटू द रिल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि नाइट में, रात मोस्टली हमें ओवर थिंकिंग कब होती है, रात में होती है, तो वो यही कह रहे हैं कि रात में कब आपको अच्छा फील होता है, जब मून लाइट होती है या जब डार्क क्लाउड्स होते हैं, मून लाइट होती है। ठीक है, अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स, अब यहाँ से वहां जाने के लिए यानी कि मून लाइट जो रास्ता दिखा रही है, जो चांद की रोशनी में रास्ता रास्ता दिखा रही है एक ब्रिज का, एक वुडन ब्रिज का, वो क्या है, छोटे छोटे प्लैंक्स है यानी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं जो कि मूव कर रहे हैं, यहाँ वहां मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं। ठीक है, और हिल रहे वो प्लैंक्स जो है वो फैंसीज क्राउड इन टू द रिल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। अब वो इमेजिनेशन, वो जो क्लाउड है या फिर जो हमारी थॉट है वो इमेजिनेशन इमेजिनेटिव है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या इमेजिनेटिव है, हम तो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाए, ये हम करेंगे तो ये होगा, हम पहले से सारे कंक्लूजन निकाल के रखते हैं, तो वो हमारा फैंसी क्राउड होता है, मतलब कि हमारी फैंटेसी होती है कि हाँ ये चीज़ हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसके लिए हमें हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारी जो लाइफ है वो दो सारी चीज़ों को, हमारा जो माइंड है वो दो चीज़ों को बैलेंस करने में बिजी है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पैराग्राफ था, मैं आपको शॉर्ट समझाती हूँ, पहले इसकी मीनिंग समझाती हूँ। अब क्या होता है, जब डार्क गेट ऑफ क्लाउड होता है यानी बहुत ज्यादा बादल होते हैं और हमें कहीं से कहीं जाना होता है, ठीक है, तो मून क्या कर रहा है, मून अपनी रोशनी, जब चंद्रमा या सूरज, चंद्रमा रात के अंधेरे में अपनी रोशनी दिखा रहा है तो वो ऐसे ब्रिज पे रोशनी दिखा रहा है जो कि एक छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ है और वो मूव कर रहा है। अब उसके लिए हमें क्या जरूरत है, अब उसको हमें क्रॉस करने के लिए, उस ट्रैम्बलिंग प्लैंक्स यानी कि हिलते हुए लकड़ी के टुकड़ों को या फिर उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, आर फैंसीज क्राउड इन टू द रिल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाउ नाइट, हमारा जो हमारी जो इमेजिनेशन है उसको हमें क्या करना होगा, उस भीड़ को इकट्ठा करके अपने माइंड को क्या करना होगा, स्ट्रेट करना होगा, फॉरवर्ड करना होगा उस चीज के लिए जो हमें करना है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसको इन्होंने लाइफ से कैसे कंपैरिजन किया, ये पैराग्राफ लाइफ से कैसे कंपैरिजन हुआ है कि लाइफ में, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में जब बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम आती है तो एक ऐसी बात, कोई भी एक हो सकता है कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी फीड स्क्रॉल कर रहे हो और कोई भी उसमें एक ऐसा फीड आ जाए, एक ऐसे वीडियो आ जाए, कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, तो वो चीज़ क्या होती है, उसके लिए भी आपको थोड़ी सी अपनी मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट एंड वी विल आई विल गिव गिव यू द सोल्यूशन कि हाँ कहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंडेंट्स अ ब्रिज ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब जो इस मतलब कैसे समझाओ, जो घोस्ट का वर्ल्ड होता है वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, एक ब्रिज ऑफ लाइट मतलब कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो एक लाइट की तरह है, ठीक है, और वो ब्रिज बना रहे हैं अपनी दुनिया से हमारी दुनिया के बीच में, हमें कवर अप करने के लिए, हमें अच्छे रास्ता दिखाने के लिए या हमारे टेक केयर करने के लिए, ठीक है, और हमें सही डिसीजन लाने के लिए वो हमेशा हमें क्या करते हैं, हमें हमेशा बैक सपोर्ट दे रहे होते हैं जो कि इनविजिबल होता है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर हूज अनस्टेडी फ्लोर दैट स्वेज एंड बेंड्स वंडर आवर थॉट्स अबव द डार्क अबिस। अब कनेक्टिंग इट विद दिस, अब इस इन्होंने क्या बोला है कि इस चीज़ से कनेक्ट कर रहा है, किस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारे घोस्ट हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो एज एन घोस्ट हमें अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कब कब, जब वो हमें फील करा रहे होते हैं कि वह उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे पास है। ओवर हूज अनस्टेडी फ्लोर, ठीक है, अब वो उस फ्लोर पे चल रहे हैं जो कि अनस्टेडी है, यानी कि वो हमारे पास कैसे आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आते हैं। ठीक है, इनका ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं पोइट, और ये बता रहे हैं कि हमारे जो गोस्ट है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी केयर करने के लिए या हमें सपोर्ट करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक अनस्टेडी फ्लोर यानी कि उनका जो ब्रिज है, जो रास्ता है हमारी तरफ आने का, वो अनस्टेडी है, वो स्टेबल नहीं है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आ रहा है, दैट स्वेज एंड बेंड्स, और वो क्या हो रहा है, स्वे हो रहा है और वो बेंड हो रहा है, यानी कि वो यहाँ वहाँ पानी में तैर रहा है, हिल डुल रहा है
और बेंड हो रहा है, यानी कि मुड़ भी जा रहा है, एक साइड ऐसा हो रहा है कि मुड़ जा रहा है अगर पैर पड़ रहा है तो वो चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, वंडर आर थॉट्स अबव द डार्क एबिस, और हमारी जो थॉट है वो क्या है, बॉटमलेस है, मतलब उसका कोई बॉटम नहीं है। अब यहाँ पे ये इन्होंने पहले क्या बताया कि ये हमारे जो एंसेस्टर्स है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो घोस्ट है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे पास आने के लिए, और दूसरा इसको कंपेयर किया गया है लाइफ से, वो कैसे लाइफ से कंपेयर किया गया है कि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम चीज़ों को, मतलब हमारी जो थॉट है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी वास्ट है कि हम कभी सोच रहे होते कि हम ये कर ले, हम कभी सोचते हैं कभी हम इंजीनियर। अब लास्ट पैराग्राफ में पोइट ये बता रहे हैं कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जो है हम अपनी थॉट को क्या करते हैं, हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एक रास्ता हमें हमेशा ये दिखाता है कि आराम करो, ऐश करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, और दूसरा रास्ता हमें दिखाता है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कल के टाइम में हमें कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। सो ये लास्ट लाइन जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स है या जो हमारे एल्डर्स है वो हमें क्या कर रहे हैं, वो हमें हमेशा शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों इतना अगर दिमाग होता तो आप भी अभी बुढ़े हो चुके होते तो थोड़ा सा पेरेंट्स की बात सुन लिया करिए। ये हमारे लास्ट पेज में आपको मिल जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, क्या क्या इसमें फिगर ऑफ स्पीच हमारी पोम में यूज हुई है और क्या क्या समरी, क्या समरी है इस पोम की। सो हम ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। हर हर महादेव।